आज हम हमारे अध्ययन फिलिपियों की पत्री से उसके दूसरे भाग में हम जा रहे हैं। हमने कल देखा कि कैसे फिलिपियों की पत्री को हम सुसमाचार में सहभागिता करके उसको हम पूरी पत्री को देख सकते हैं। आज हम पहला अध्याय वहां से 27 आयत से लेकर दूसरे अध्याय के अंत तक हम देखेंगे, और सबसे मुख्य जो बात यहां पर दिखाई गई है वो है मसीही विचारधारा, द क्रिश्चियन माइंडसेट। मसीही विचारधारा, या हम मसीह होने के नाते हमको कैसे सोचना है, हमारे सोचने के ढंग क्या है, उसके आकार और प्रकार क्या हैं। सबसे पहले पौलुस जो अपने लोगों को प्रोत्साहन देता है वो तीन बातों पर प्रोत्साहन देता है, एकता पर, विनम्रता पर और पवित्रता पर। एकता, विनम्रता और पवित्रता। उनसे कहता है कि सुसमाचार के योग्य चाल चलो। उनसे कहता है कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो। सो पॉल अपील्स टू हिज बिलव्ड चर्च टू रिमेन यूनाइटेड, बी हम्बल एंड सर्व वन अनदर एंड लिव अ लाइफ ऑफ होलीनेस। तो हम जब पहले अध्याय उसके 27 से दूसरे अध्याय उसके 4 तक जब हम देखते हैं, उनसे वो क्या प्रोत्साहन देता है, वो कहता है तुम एकता में दृढ़ रहो। और वहां जब हम वो आयतें को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मसीही विश्वासी त्रिएक परमेश्वर में है, और आप देखेंगे त्रिएक परमेश्वर के काम वहां पर। सिंस वी आर इन द ट्रायून गॉड, और सिंस दे आर इन द ट्रायून गॉड, दे मस्ट स्ट्राइव टुगेदर फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पल। हमें याद रखना है, हमको सुसमाचार के खातिर हमको एकता बनाए रखना है। किस लिए? ये नहीं कि हम एक दूसरे से हर बात में सहमत होंगे, परंतु सुसमाचार के लिए और हमारे त्रिएक परमेश्वर में हमारा होने के कारण हमको एक एकता में रहना है। फिर 1:29-30 में वो क्या कहता है, वो कहता है मसीह विश्वासी को मसीह के लिए दुख उठाने का विशेष अधिकार या अवसर या सौभाग्य प्रदान किया गया है। गॉड हैज गिवन टू हिज पीपल द प्रिविलेज ऑफ शेयरिंग इन द सफरिंग्स विद क्राइस्ट, और शेयरिंग इन द सफरिंग्स फॉर क्राइस्ट। हमें यह जानने की बहुत जरूरत है। कई बार जब हम मसीह में आते हैं या मसीह के पीछे चलते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पूरे तकलीफ चले जाएंगे, हमारे पूरी सब हमारे जो प्रॉब्लम्स है सब चले जाएंगे, परंतु जब हम मसीह के पीछे चलते हैं कई बार कई तरीके से कई कई प्रकार से हमें मसीह के लिए हमको एक कॉस्ट, एक कीमत अदा करनी पड़ती है। वी हैव टू पे अ प्राइस टू फॉलो क्राइस्ट मेनी अ टाइम। तो वहां कहता है दूसरे अध्याय में, मसीह में और आत्मा की सहभागिता में एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मनसा रखो। दूसरे अध्याय के दूसरे आयत में कहता है, He says, be united in Christ, sharing in the Spirit, in the common love and be like-minded। तो उनको फिर से याद दिलाता है, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा में हैं, हम एक ही मसीह में हैं, एक ही त्रिएक परमेश्वर में हैं, इसलिए हमको एक ही मन से काम करना है। मसीह का मन या मसीह का स्वभाव क्या है? वहां लिखा है कि दूसरों के हित की भी चिंता करना, कंसर्निंग ourselves with other people's needs and interests। The mind of Christ is caring for the needs of others।
2-3 में हिंदी में लिखा है कि एक दूसरों के अपने से अच्छा समझो, शायद ये सबसे बेहतर ट्रांसलेशन नहीं है, अनुवाद नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को कहें आप मेरे से बेहतर हैं, आप मेरे से बेहतर हैं, नहीं, आपके जो जरूरतें हैं उसको भी मैं आगे लाता हूं। हो सकता है कि दूसरों की जरूरतों को हम पहला समझकर हम अपनी जरूरतों को नीचे डालकर, यही तो है मसीह का मन, यही तो है मसीह का स्वभाव, मसीह विचारधारा। हम कैसे समझ सकते हैं व्हाट इज दिस क्रिश्चियन माइंडसेट? यदि हमको जानना है कि परमेश्वर का मन कैसा है, तो हम यह देखते हैं यूहन्ना के 1:18 में क्या लिखा है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा परंतु इकलौता पुत्र पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। नो वन हैज सीन गॉड। हाउ डू वी नो व्हाट गॉड इज लाइक? जीसस हैज रिवील्ड गॉड टू अस। प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर कैसा है वो प्रकट करते हैं, और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया कि फिर से हम परमेश्वर को समझें कि हमारा परमेश्वर पिता कैसा है। तो परमेश्वर कैसा है, आने वाले आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर नम्र है, विनम्र है। परमेश्वर इस दुनिया का सेवक है, गॉड इज हम्बल, गॉड इज हम्बल एंड ही इज द कॉस्मिक सर्वेंट। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से यह प्रकट होता है कि हमारा परमेश्वर सेवक है, दुनिया का सेवक है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहां लिखा है अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। जीसस एम्प्टीड हिमसेल्फ, और बेटर टू अंडरस्टैंड ही पोर्ड आउट हिज लाइफ इन सर्विंग अदर्स। यीशु मसीह ने अपने जीवन को पूरा उंडेल दिया सेवकाई में। परमेश्वर होने के नाते वो एक मनुष्य बन गया, मनुष्य होने के नाते वो एक दास बन गया, और दास होने के नाते क्रूस की मृत्यु पर चल गया। ये है हमारा परमेश्वर। हमारे नए नियम में शायद ये सबसे बहुमूल्य एक पैसेज है जो हम पढ़ रहे हैं फिलिपियों के 2:2 में, जहां हम परमेश्वर के बारे में हमको प्रकट किया जा रहा है, हमको बताया जा रहा है कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर एक सेवक है। गॉड बिकेम अ मैन एंड एज अ मैन ही बिकेम अ सर्वेंट एंड एज अ सर्वेंट ही गेव हिज लाइफ ऑन द क्रॉस। ये है हमारा परमेश्वर। फिर वहां लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यदि हमको इस ये आयतों को समझना है तो हमको ये जो आयत कहां से, इसका जो गूंज रहा है, जो आवाज आ रही है कहां से है, वो यशैया के पुस्तक से, यशैया नबी से 45वें अध्याय से 18-24, इसाया 45:18-24। उसको आप गौर से जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां पर यहोवा परमेश्वर, उसी के नाम पर हर एक व्यक्ति अपना घुटना टेकेगी, और वो जो पद जो परमेश्वर का है वो पद यीशु को दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, क्रूस पे मरे और फिर जी उठे और उनको उठाकर एग्जॉल्ट कर दिया गया है।
परंतु हम परमेश्वर के बारे में हम यहां क्या सीख रहे हैं, मसीही विचारधारा क्या है, एक दूसरे की सेवा करना, हमें भी अपने सेवक राजा, यीशु मसीह हमारा सर्वेंट किंग है, सेवक राजा की तरह सेवा करने के लिए हमें बुलाए गए हैं। वी टू आर कॉल्ड टू लिव लाइक आवर सर्वेंट किंग। तो यहां फिलिपियों की पत्री दूसरे जो भाग को हम देख रहे हैं, वहां एक दूसरे भाग के बीच में हम आते हैं। इसके बाद हम दूसरे भाग को देखेंगे, दूसरे अध्याय के। सो वी कम टू द एंड ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल पैसेज विच रिवील्स व्हाट गॉड इज लाइक एंड वी लर्न द क्रिश्चियन माइंडसेट। जब हम दूसरे अध्याय के 12वीं आयत से आगे बढ़ते हैं, तो 2:12-18 तक पौलुस एक मुख्य बात अपने प्रिय लोगों से कह रहा है। क्या कह रहा है? पवित्रता का जीवन जियो, पवित्र बने रहो, बी होली। वहां कहता है 12वीं अध्याय 2:12-13 आयत में, हे मेरे प्यारों, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये कई बार लोग इसको ठीक तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये आयत में हमारे उद्धार, हमको कैसे अपना खुद का उद्धार करना, उसके बारे में नहीं लिखा है। यहां पर जो पौलुस उद्धार को कह रहा है, वो हम प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम कर रहा है, उससे हमको तालमेल करके हमारा भी कर्तव्य पड़ता है। पवित्रता की प्रक्रिया में शामिल परमेश्वर और विश्वासियों का एक बहुत ही सुंदर रहस्य है। परंतु ये हमको याद रखना है कि ये जो काम जो हमको करने के लिए बुलाया गया है, वो सिर्फ अपने अपने, जैसे हिंदी में लिखा है, ऐसा नहीं है। सही में देखे तो हमको इस कलीसिया में रहकर झुंड में हम प्रभु के लोगों के साथ इस उद्धार को हमको जीना है। वी हैव टू लिव आउट आवर सेल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग। इसको बहुत सीरियस रूप से हमको लेना है, और प्रभु के लोगों के साथ हमको वो काम और वो जीवन जीना है जो हमको हमारे उद्धार में हमको बुलाया गया है। और इसके लिए जीने के लिए हमको भी करना है, और वहां लिखा है जो करने की सामर्थ हमको परमेश्वर ही देता है। तो एक बहुत ही सुंदर रहस्यमय तालमेल या जुगलबंदी कह सकते हैं, जो हम यहां परमेश्वर और विश्वासी के बीच में हम देखते हैं। और वो फिर कहता है कि जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों की नाई रहो, बी लाइक अ शाइनिंग लाइट इन ए डार्क वर्ल्ड इन अ विकेड एंड क्रुकेड जनरेशन। और यहां पर जब पौलुस ये बातें कहता है, तो यदि आपको पुराने नियम के कुछ आयतों को यदि आपको मालूम रहेगा, तो आप देखेंगे वो पुराने नियम से पवित्र शास्त्र की कुछ गूंज यहां भी आ रहे। देर आर एकोस ऑफ स्क्रिप्चरल पैसेजेस इन दिस पैसेज। पौलुस नहीं कहता कि हाँ पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, परंतु जब आप, मैं जो अभी आपको आयत देने वाला हूं, वो देखेंगे तो इस पैसेज में आप देखेंगे कि इसकी कई गूंज यहां पर पहुंच गई है। सबसे पहले व्यवस्था विवरण में 32:5 में, Deuteronomy 32:5, वहां पर प्रभु के लोगों को कहा गया है, वो यहां पर अलग से कुछ पौलुस कहता है। फिर दानियल के पुस्तक में 12:3 में वहां लिखा है कि तुम कैसे, जैसे कि जगत में जलती दीपों के जैसे, तारों के जैसे। फिर यशैया 65:23 में जो हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि मैं भी अपना काम पूरा बेकार व्यर्थ ना हो। तो कई
चीजों में जब पौलुस बात करता है तो उसके मन में उसका पवित्र शास्त्र या उसका बाइबल, पौलुस की बाइबल हम जिसको पुराने नियम कहते हैं, the Lord is asking, Paul is asking the people to shine like stars in a dark world and hold out the word of life to God's people and to everybody. And so observe these beautiful echoes of scripture in this passage. Paulus kya chahta hai? Paulus chahta hai ki uski priya kalisiya shuddh aur nishkalank ho, ki ek din wo masih ke din par un par गर्व कर सकता है. Paul wants his beloved church to be pure and blameless so that one day he can boast on the day of Christ about them. तो पौलुस उनको इस पवित्रता के ओर खींचता है. उसके बाद वो बहुत ही अच्छी बात कहता है. पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है और वहां कहता है कि मेरा जीवन तुम्हारे बलिदान, तुम्हारे विश्वास का जो जीवन है वो एक बलिदान के है जैसा है, और इन दोनों एक बहुत ही सुंदर साझेदारी का एक सुंदर छवि है. उसको मैं थोड़ा समझाता हूं. पुराने नियम में कई बार जब प्रभु के लोग बलि चलाने आते थे, ऑफरिंग देने आते थे, तो उनका बर्न्ड ऑफरिंग होता था या होम बलि या मेल बलि हम कह सकते हैं. कई बार उसके साथ कुछ और चीज को भी मिलाकर वो बलि चढ़ाते थे, जैसे कि दाख मधु हो या एक प्रकार का तेल हो या कुछ और तरह का लिक्विड हो. तो उन दोनों का तालमेल करके कई बार ये बलिदान होता था. गिनती की पुस्तक 15:5 में यदि आप देखें तो आप देखेंगे बर्नट ऑफरिंग के साथ एक 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 ड्रिंक ऑफरिंग दोनों मिलाकर कई बार बलि चढ़ाते थे. पौलुस क्या कह रहा है कि मेरा जीवन तुम्हारा जो बलिदान है वो मेन ऑफरिंग है, बर्नट ऑफरिंग है, और उसके ऊपर से मैं अपना जीवन भी एक ड्रिंक ऑफरिंग जैसे मैं भी चढ़ा रहा हूं. हिंदी बाइबल में जो लिखा है वहां पर कि मैं अपना खून बहा रहा हूं या अपने जीवन को दे रहा हूं, सबसे बेहतर तो नहीं, परंतु मेरी जो सेवकाई है वो ड्रिंक ऑफरिंग के जैसा है. पॉल्स लाइफ इज अ ड्रिंक ऑफरिंग पोर्ड आउट अलोंग विद द सैक्रिफाइस ऑफ द फिलिपींस. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ पार्टनरशिप. जरा सोचिए सहभागिता का कितना अच्छा एक चित्र है. पॉलुस का जीवन एक बलि जैसा है और उनका जीवन विश्वास एक बलि जैसा, दोनों को मिलाकर वो परमेश्वर के सामने एक सुगंधित बलि प्रभु को दे रहे हैं. उसके बाद से 19 से लेके अंत तक 30 तक पौलुस दो व्यक्तियों के बारे में कह रहा है कि यदि विनम्रता और पवित्रता का यदि आपको दो उदाहरण और भी चाहिए, यीशु मसीह का उदाहरण तो हो गया, पौलुस का भी उदाहरण बीच में आ गया, अब दो और लोगों का उदाहरण हमको मिल रहा है. हमको मॉडल्स की जरूरत है हमारे जीवन में. कई बार मसीह जीवन में हमको अच्छे मॉडल्स मिलना बहुत जरूरी है, और यहां पर दो मॉडल के बारे में पौलुस कहता है, पहला तिमोथियस और दूसरा इपाफ्रोडिटस. तो दीज आर टू ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमिलिटी and holiness. Humility is seen in serving others. नम्रता कैसे प्रकट होती है? जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, सिर्फ उसी से नम्रता दिखाई जाती है. तो हम तिमोथियस और एपाफ्रोडिटस के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले तिमोथियस के बारे में हम 19 से लेके 24 तक पढ़ते हैं. वहां पौलुस उसके बारे में क्या क्या नहीं कहता है. वो कहता है वो एक पिता और पुत्र का रिश्ता है उनके बीच में, दे हैव अ फादर एंड सन रिलेशनशिप. और उसके वो कहता है मेरे पास उसके ऐसा कोई नहीं है बोलने के लिए कि बहुत ही प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जैसा है तिमोथियस. क्या कहता है उसके बारे में, दूसरों के लिए वो चिंता करता है, तुम्हारे लिए चिंता करता है. तो वास्तविक चिंता जब हम दूसरों की करते हैं, दूसरों के जरूरतों को देखते हैं, तो वही तो नम्रता
का जीवन है। तिमोथियस, तिमोथी हैज अ जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। पॉल और तिमोथी एक पिता और पुत्र के जैसे हैं। उसके बाद में इस अध्याय के आखिर में हम इपाफ्रोडिटस के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पहले कहा था कि बहुत लंबा नाम है, परंतु ये बहुत ही महान व्यक्ति है। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर उसके बारे में पौलुस बहुत कुछ चीज कहता है कि ये तुम्हारा सेवक है, मेरी जरूरतों के लिए तुमने भेजा। तो इपाफ्रोडिटस फिलिपी से, शायद जहां भी पॉल है, मान लीजिए रोम में है, आया और रास्ते में वो बीमार हो गया। बीमार, इतना बीमार हुआ कि वो, पौलुस कहता है, वो मरने पर था। परंतु पौलुस कहता है उसने अपने जीवन को मेरे लिए, सुसमाचार के लिए जोखिम में डाल दिया। कैसे? एक जुआरी के जैसे। He risked his life, he gambled away his life. और वहां कहता वो मरने पर था, he almost died. पर परमेश्वर ने दया की और उसको चंगाई दे दी। Paul talks about healing here, that he was healed. Thanks be to the mercy of God. हम उसमें से कुछ ये भी देख सकते हैं कि पौलुस के हाथ में या उसके जेब में चंगाई नहीं है। वो नहीं सोचता, कहता है कि वो बीमार था, मरने पर था, पर हमने कहा कुछ नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाओ। पर वो पौलुस कहता है परमेश्वर की दया के कारण वो जीवित है। और फिर आखिर में कहता है कि तुम ऐसे लोगों का आदर करो, ऐसे लोगों का अनुकरण करो। हमारे जीवन का बुल पर क्या बुलाहट है? What is the call on our lives? एकता बनाए रखना, विनम्रता का जीवन, दूसरों की सेवा करना और पवित्रता के साथ इस संसार में परमेश्वर के सुसमाचार को सबको बांटना और जीना। That is the call on our lives, to maintain unity, to grow in humility following the mindset of Jesus, so that we will serve others and growing in purity in our life. That brings us to the end of part 2. अब हम फिलिपियों के पत्री के दूसरे भाग के अंत में आते हैं।